मैं फिर से आपका एक बार स्वागत है दोस्तों। दोस्तों लीजिए, मैं आपको आज ले आया मोहम्मदाबाद के एक कब्रिस्तान में, जो आपको कब्रिस्तान की आज शेयर कराएंगे। देखिए, ये कब्रिस्तान की एक बड़ी मज़ार है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सन्नाटा है दोस्तों, लेकिन यहाँ देखिए आसपास में जो छोटी छोटी कब्रें हैं आप देख पा रहे हैं, जो आपको मैं ले आया हूँ। तो इस कब्र को आप देखिए, देखिए कितना सन्नाटा है दोस्तों, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं आपको इससे करीब ले चलता हूँ और आपको कब्रिस्तान का विजिटिंग कराऊँगा। तो यहाँ के जो कब्रें हैं, यहाँ के जो लोकल पीपल्स की डेथ होती है मुस्लिम फैमिली में, इस्लामिक फैमिली में, तो यहाँ पे लाके उनको दफन किया जाता है। इसके पास एक छोटा सा तालाब है, देखिए कितना खूबसूरत है। और दोस्तों आपको मैं काफ़ी करीब ले चलता हूँ इस तालाब के, देखिए इस तालाब के करीब, और काफ़ी ऊंची, देखिए आपको दूर से कब देख पा रहे हैं वहाँ पर एक कब्र ऊंचे पे। पता जाता है हिस्टोरिकल में बताया जाता है कि एक वक्त में लोग जब यहाँ पे आए थे तो इस जगह पे आके उन्होंने यूसुफ नवाब जो थे इस जगह पे, तो यहाँ पे जंग किया था। जंग के बाद ये ऊंचे से जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों के यहाँ पे जंग किया था, कितने लोग यहाँ पे शहीद हुए थे, इसलिए उनकी सारी कब्र ऊपर बनाई गई थी और जो यहाँ के लोकल पीपल हैं उनके लिए यहाँ बनाई गई है। तो आस पास में इसका गांव है, जो वहाँ के पीपल्स देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, कब्र के करीब आस्ते आस्ते हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। और ये सारी यहाँ की जो कब्रें हैं, देखिए इस कब्रिस्तान के करीब आए हैं हम, देखिए काफ़ी पुरानी कब्रें हैं आप देख पा रहे हैं। इसके आसपास या कभी अगर अंधेरे की रातों में आप आएंगे तो इस जगह को आप देखेंगे, तो काफ़ी लोग शब रात के दिन रात में लोग आते हैं, यहाँ रोशनियाँ की जाती है। तो यहाँ के हरे भरे पेड़, लेकिन ये लोग भी अपने घर में पहले इंजॉय किया करते थे, ये लोग भी अपने घर में घूमना फिरा करते थे, दूर दूर जाया करते थे, लेकिन फिर जब उनका वक्त पूरा हुआ तो उनकी हयात ख़त्म होने के बाद अपने इस कब्र में हमेशा के लिए सो गए। तो दोस्तों इससे आप एक चीज़ ज़रूर समझ पाएंगे कि दुनिया में किसी का भी आप भला करें, बुरा ना करें, अगर बुरा करते हैं तो फिर आपको इसी जगह में आके आपकी पकड़ होगी। तो इस मैसेज से आपको यूट्यूब के मैसेज से यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप सही काम करें तो इस जगह में आके आप खुश रहें, अगर गलत करते हैं तो यहाँ पर आपकी पकड़ होगी। तो इसलिए इस जगह आने से पहले एक बार सोचें रोज़ कि मुझे एक जगह आना है। तो दोस्तों इस कब्रिस्तान के बारे में सोचें कि आप जो अपने घर में इंजॉय करें, अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अब टाइम को वेस्ट ना करें, सही काम करें कि इस जगह में आना है आपको एक दिन, चाहे आप यहाँ पे आएँ चाहे कहीं भी जाएँ, लेकिन आना तो आपको यहीं है, आपका आखिरी घर यही होगा। अब भले ही दुनिया में आप बड़े बड़े घर बना लें, लेकिन आना तो आपको यहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं रिटर्न जा रहा हूँ, आपको कुछ और वीडियोज़ देना है नेक्स्ट मौसम में। कुछ लोग चल रहे हैं, तो चलिए दोस्तों यहाँ से इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपको हम देंगे। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।